बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वे रोज सुबह अपने पिता के साथ गांव के पास एक जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसका घर परिवार सुख चैन से रह लेता था। एक दिन वह जंगल में नदी के किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, उसमें कूदकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने की वजह से वो परेशान हो गया। वे सोचने लगा कि अब वे अपने परिवार का ध्यान कैसे रखेगा। उसके पास पैसे कमाने का और कोई साधन नहीं था। वे दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और जल देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे जल देवी, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दो। हे जल देवी, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, कृपया उसकी विनती सुन लो। लकड़हारा और उसके पिता की सच में मन से की गई प्रार्थना सुनकर जल देवी प्रकट हुई। पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात जल देवी को बताई और उनसे विनती करने लगा कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी विनती सुनकर जल देवी ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। जल देवी ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बोला, नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी ने एक बार फिर अपना हाथ नदी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वह सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बोला, नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी बोली, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है, क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? लकड़हारा बोला, नहीं देवी जी, सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती, ये मेरी किसी काम की नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। जल देवी मुस्कुराई और फिर से नदी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वे कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए जल देवी ने पूछा, पुत्र क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, देवी जी यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल देवी लकड़हारा की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देती हूँ। लकड़हारे की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। इस कहानी के बारे में एक बेईमान लकड़हारे को भी पता चला। उस बेईमान लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना मैं भी ऐसा कर जल देवी से 3 कुल्हाड़ियां ले आऊं, फिर मैं भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन वे बेईमान लकड़हारा नदी के किनारे वाले पेड़ की लकड़ियां काटने चला गया। लकड़ियां काटते काटते उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वह रोने का नाटक करने लगा और जल देवी से प्रार्थना करने लगा, हे जल देवी, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दो।
लक्कड़हारा की प्रार्थना सुनकर जल देवी प्रकट हुई। पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है? लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात जल देवी को बताई और इनसे विनती करने लगा कि वह उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दे। उसकी विनती सुनकर जल देवी ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। जल देवी ने लक्कड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लक्कड़हारा बोला, नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी ने एक बार फिर अपना हाथ नदी में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने लक्कड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लक्कड़हारा सोच में पड़ गया। इसके बाद देवी जी सोने की कुल्हाड़ी निकालेंगी, मैं वो लूंगा। लक्कड़हारा बोला, नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी ने फिर से नदी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह सोने की थी। लक्कड़हारे की आंखें चमकने लगी। जल देवी बोली, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लक्कड़हारा बोला, हाँ देवी जी, यही है मेरी कुल्हाड़ी, लाओ इसे मुझे दे दो। जल देवी लक्कड़हारे की बेईमानी देखकर बहुत क्रोधित हुई और बोली, बेईमान, तुमने बेईमानी की, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। यह कहकर जल देवी ने समय फेंक दी। लक्कड़हारे को अपनी बेईमानी की सजा मिल गई। लक्कड़हारा वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी बेईमानी की वजह से मैंने अपनी कुल्हाड़ी भी अपने हाथों खो दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा ईमानदारी का साथ देना चाहिए और कभी भी बेईमानी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। So guys, अब टाइम है शाउट आउट्स का। ओके, योगा सिस्टर्स कृष्णाक्षी देका, गुरवीर सिंह, आरती अरोड़ा, सृष्टि किचन एंड कुकिंग, खुशी अरोड़ा, प्रतीक्षा जोशी, हंस राजनी व्लॉग, परवीन सुल्ताना, स्फूर्ति हेगड़े, आयशा इब्नाड नजीफा, अंकित तिवारी, ईबा गुत्तू, प्रियांशी दुआ, अंकिता महातो। माय टर्न। ग्लॉसी परी, गुरमो, AVG Crafts, RBS 1, अंजना।